गुणनखंड विधि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आज उसी मेथड को हम सीखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हिंदी मीडियम वाले कहते हैं उसे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें वज्र गुणनखंड यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरेक गुणा वाली विधि भी आप इसको बोल सकते हो। आपको दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, जो कि ये रहे हमने आपके कक्षा दसवीं का ही प्रश्न लिया हुआ है, जहां पहला समीकरण है 2x प्लस 1y माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। पहले समीकरण को हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरणों को अपने नाम दे दिया है। और आपने अगर अभी अभी लाइव क्लास अटेंड करी है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा लाइक का बटन दबाकर। ठीक है, यहां पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है वज्र गुणनखंड विधि में, कि आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बताने पड़ेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। तो इन समीकरणों की तुलना हम रैखिक समीकरणों से करेंगे। रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण के रूप होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस शक्ल से मतलब ये जो आपका रूप है रैखिक समीकरण का जो रूप है, इस रूप से हम तुलना करेंगे इन दिए गए समीकरणों की। तो हम क्या लिख रहे हैं, तुलना करने पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे तुलना करने पर। किनसे तुलना कर रहे हो, इन दो समीकरणों से। ठीक है, तुलना करने पर। अब तुलना मन में भी कर सकते हो, जैसे x के गुणा में जो नंबर है वो a1 है, x के गुणा में कौन है a1 है, तो a1 कहां मिलेगा, जो x के गुणा में होगा। देखो ना, x के गुणा में क्या लिखा है, x के गुणा में सर यहां 2 लिखा है, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 2। x के गुणा में जो लिखा है वो a1, अब y के गुणा में जो लिखा है वो b1, तो b1 का वैल्यू क्या हो गया, जो y के गुणा में है 1, तो हमने यहां 1 लिख दिया। अब उसके बाद एक नंबर आएगा जो कि सिंगल वैल्यू होगा, वो होगा c1, तो c1 की जगह आपको कितना दिया है माइनस का 5। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, आप इन समीकरणों को अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बस आपको डायरेक्ट a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पता लगानी है। अब देखिए, समीकरण 1 से मिल गए a1 b1 c1, अब समीकरण 2 से मिलेंगे a2 b2 c2। कहां मिलेगा a2, समीकरण 2 में मिलेगा, 2 में मिलेगा, जो x के गुणा में होगा वो a2। a2 का मान क्या आ गया, जो x के गुणा में है, क्या है गुणा में, 3 लिखा है सर, तो 3 हो गया। b2 का मान क्या होगा, जो y के गुणा में होगा, 2 लिखा है सर, यहां 2 लिख दिया। और c2 क्या होगा, जिसके पास ना x होगा ना y होगा, माइनस का 8 लिख दिया। कितना लिख दिया, माइनस का 8। यहां तक सब लोग क्लियर है, कमेंट कीजिए दोस्तों, यहां तक सभी लोगों को आ गया, यहां तक सभी लोग क्लियर है। हमने इन समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण के सामान्य स्वरूप से करी, तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गई। अगर अभी भी नहीं आया तो सिंपल वाली बात है, देखो a1 b1 c1 इन नंबरों को देखो ध्यान से, a1 2 हो गया, b1 1 हो गया, c1 -5 हो गया, उसके बाद a2 b2 उसके बाद c2। x और y को नहीं लेना, जो उनके गुणा में नंबर है ना, उन नंबरों को लेना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इनको हिंदी में कहते हैं गुणांक, x का गुणांक y का गुणांक, a1 b1 c1 a2 b2 c2, सिंपल है। अब वज्र गुणनखंड विधि से क्या लिखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से क्या लिखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस पेज पे लिख रहा हूं, वज्र गुणनखंड विधि से। पूरा नाम लिख दो भैया कि कौन से मेथड लगा रहे हो दोस्तों, वज्र गुणनखंड। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से, सिंपल वाली बात है। अब वज्र गुणनखंड विधि का आपको सूत्र लिखना आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा सूत्र है सर। पहले लिख दो आप x, बराबर में लिख दो आप y और बराबर में लिख दो आप 1। क्या किया हमने, x लिखा बराबर में, y लिखा और बराबर में 1 लिखा, इतना ही काम हमने किया है अभी, x, y और 1, x, y और 1। अब सब में बटा लगा दो, इस पर भी बटा लगा दिया, इस पर भी बटा लगा दिया और इस पर भी बटा लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, BC BC, CA CA और AB AB,
बस बस काका अब क्या लिख दो, बी सी माइनस बी सी बस बस, उसके बाद काका यानी सी ए माइनस सी ए, उसके बाद ए बी माइनस ए बी, क्या लिखा, बस बस काका अब बी सी बी सी सी ए सी ए बी ए बी। अब फॉर्मूला पूरा होने वाला है, बस यहाँ पर नंबरों की कमी है, तो आप नंबर क्या लिखोगे, 12 और उसका उल्टा 21, क्या लिखोगे, पहला आएगा 12 फिर उसका उल्टा कर दो 21, फिर वापस से वही 12 फिर आएगा आपका 21 फिर वही 12 और फिर आएगा 21। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही है वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र। सिंपल है दोस्तों, एक्स बराबर वाई बराबर एक, और इन सबके बटे में लिख देना है ए बी ए बी, बी सी मतलब बी सी बी सी सी ए सी ए बी ए बी, और बीच में माइनस के चिन्ह लगा के 12 21 12 21 12 21। सभी को पसंद आया, कमेंट कीजिए कि हाँ सर आ गया। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1, और इधर है C1 A2 माइनस C2 A1, और A1 B2 माइनस A2 B1, याद भी कर सकते हैं। अब एक ही काम बचा है दोस्तों हमारे पास, यार 27 ही लाइक आया, क्या कर रहे हो आज। जितने लोग लाइव सेशन अटेंड किए हैं लाइक का बटन खटाक से दबा दो, मोटिवेशन इंटू हंड्रेड अभी से हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लाइक का बटन खटाक से दबा दीजिए। अब ये सब वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। x के बटे में क्या लिखा है, B1 C2, क्या लिखा है, B1 C2, तो ढूंढ लो, ये रहा B1 और ये रहा C2, B1 का मान 1 और C2 का मान 8, 1 और माइनस का 8, क्या लिखेंगे, 1 गुणा में माइनस का 8, उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। B2 C1 यानी ये B2 और ये C1, B2 C1 का वैल्यू क्या है, 2 और माइनस का 5, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा में माइनस का 5। यहां तक सबको क्लियर है, कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहां तक आ गया। y बटे में, अब y के बटे में भी जो मान है वो मान आपको वैसे के वैसे ही लिख देने हैं। आ गया सभी को यहां तक समझ में, सिंपल है दोस्तों, फॉर्मूला बना लिया आपने, एक बार फॉर्मूले में मान रख देंगे सॉल्व हो जाएगा, सिंपल वाली बात है। चलिए C1 और A2 इनके मान ढूंढो, C1 और A2 ये रहा आपका C1 और A2 जो कि है -5 और 3, तो लिख देते हैं माइनस का 5 और गुणा में 3, C1 A2, माइनस लगा दिया और C2 A1 लिखा इसके बाद, तो ये रहा C2 और ये रहा A1 यानी माइनस का 8 और 2, क्या लिखेंगे, माइनस का 8 और गुणा में 2। यहां तक सब लोग आ गए। अब यहां पर बराबर में 1 के बटे में AB AB, क्या लिखा है, AB AB यानी कि A1 और B2, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर लिखा है A1 B2, ठीक है। चलिए क्या लिखा है यहां पर, A1 B2 यानी कि A1 और B2 यानी कि 2 और 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2 गुणा में 2, ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, 2 गुणा में 2। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्या मेरा वीडियो आपको क्लियर नजर आ रहा है, कमेंट कीजिए क्या मेरा वीडियो आपको क्लियर नजर आ रहा है, बताइए। VS गेमिंग जी, हाँ सर आ रहा है, ओके VS गेमिंग, थैंक यू सो मच ब्रदर। सभी को मेरा वीडियो क्लियर नजर आ रहा है, अभी मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया था जिस कारण से थोड़ा सा बफरिंग का प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए हाँ सर आ रहा है, ओके सर क्लियर है, ओके ठीक है, आ रहा है सभी को क्लियर। अब यहां पर कुछ नहीं, A1 B2 का वैल्यू तो हमने रख दिया, A1 और B2 2 और 2 थे, अब A2 B1 यानी 3 गुणा में 1, क्या लिखा है, -3 गुणा में 1। अब मेरे दोस्तों सिंपल वाली बात सबको सॉल्व कर दो, x के बट्टे में 1 का 8 में गुणा कर दो, 1 8 कितना होता है 8, और माइनस लिखा है तो हम माइनस का 8 लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या लिखा था 5, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10 यानी प्लस का 10 बराबर y बट्टे में 5 3 15 और माइनस का है तो यहां पर आएगा माइनस का 15। अब इधर देखिए माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 8, 8 का 2 में गुणा कर दो तो 8 2 16 हो गया बराबर 1 के बटे में 2 2 4, 3 1 3, सब लोग आ गए, हमने कुछ भी नहीं किया, गुणा का चिन्ह लगा था तो सामने सामने गुणा कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है, बताइए यहां तक सब लोग क्लियर हैं।
अब आगे बढ़ेंगे, एक्स के बटे में माइनस प्लस, सर माइनस प्लस होता है क्या? माइनस, यानी 10 में से 8 गए तो बच्चे कितने? 2, और बड़ी संख्या 10 है, ये पॉजिटिव है तो ये 2 भी घटाने पर पॉजिटिव रहेगा, बराबर y के बटे में, देखो है अब y के बटे में क्या है, माइनस 15 और प्लस का 16, यानी माइनस प्लस फिर से होगा माइनस, 16 में से 15 गए तो कितने बचे? 16 में से 15 गए तो बचे कितने? 1, प्लस का 1, बराबर 1 के बटे में क्या था? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों अब मैं इस साइड का मिटाने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, आपने इधर का अगर लिख लिया हो तो हम जल्दी से, कुछ नहीं करना हमें, इन तीनों पक्षों की तुलना करनी है और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक सब लोग सिंपल ही हैं, 1 लिखा है एंड में, मैंने क्या लिखा है यहाँ? 1 लिखा है दोस्तों, 1, ठीक है। इधर का मैं मिटाने वाला हूँ दोस्तों, मिटा दूँ, और जितने लोग यार अभी भी लाइव सेशन में ज्वाइन हुए, लाइक का बटन खटाक दबा दो, मोटिवेशन इंटू 100 अभी से हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी नहीं सर, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस साइड का मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हमको एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है, देखिए अभी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना, वापस से मैं लिख देता हूँ अभी हम किस स्टेप पे पहुँचे हैं लास्ट में। देखिए अभी आखिरी में हमारे पास बचा है एक्स बटे दो, क्या बचा है दोस्तों? बचा है एक्स बटे में दो बराबर वाई बटे में एक और बराबर में एक बटे एक, ठीक है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, ये पहला पक्ष और अंतिम पक्ष बराबर बताना है, मतलब ये दोनों को तुलना करनी है, पहले एक्स वाली टर्म के साथ 1/1 की तुलना, फिर y वाली टर्म के साथ इस 1/1 की तुलना, कुछ नहीं करना, x का मान निकालना है ना, तो x वाले पद को आखिरी वाले से तुलना करो। चलो तुलना करते हैं, तो हम एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने में क्या करेंगे, पहले x वाला पद लो यानी x बटे दो, इसकी तुलना कहाँ करो? आखिरी वाले संख्यात्मक रूप से यानी 1/1 से। अब इधर जो लाइन खींची है यहाँ y बटा 1 ले लो और इसकी तुलना भी वही 1/1 से कर दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, x वाले जो पद हैं उनकी तुलना 1/1 से करना है और y वाला जो पद है उसकी तुलना भी 1/1 से कर देना है। अब कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर दो, 1 का x में गुणा किया तो x बराबर 2 × 2, बधाई हो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बन जा y और 1 × 1, यानी y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया, यही आपके आंसर हो गए, x और y के मान हो गए दोस्तों। बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, कोई ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है, वज्रगुणन विधि आसान है, वज्रगुणन विधि बड़ी आसान है, ठीक है। बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं सर, जी हाँ हसनैन शेख जी, बहुत दिनों बाद लाइव आने का टाइम मिला है हमें, क्योंकि थोड़ा सा अभी क्या है कि बच्चों की प्री बोर्ड चल रही है और हम जहाँ इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा उन लोगों की निगरानी या जो भी है ना मेंटेनेंस वगैरह या जो पढ़ाना है वो सब हमको देखना पड़ता है, देख रेख भी करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए लाइव आने में, ठीक है। तो प्री बोर्ड चल रहे हैं स्कूलों में और ट्यूशंस वगैरह में, मतलब जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, तो इसीलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब क्लियर है, आ गए सभी लोग, वज्रगुणन विधि सबको आ गई, सिंपल सा फॉर्मूला है बस, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 44 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 44 हमारे फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं और लाइक 53 ही हैं अभी। उम्मीद करता हूँ हमारा लाइव सेशन 100 लाइक्स तक तो यार जाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 लाइक्स यार मोटिवेशन इनटू 100 हो जाता है 100 लाइक्स देखकर, तो डेफिनेटली आप लोग करवा देंगे, मुझे पता है आप सभी मेरी टीम का हिस्सा हैं, डेफिनेटली आप लोग करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है। चलिए रॉयल स्टाइल लिखते हैं कि सर आप कहाँ थे, तो हम कहीं नहीं थे, अभी हमारा क्या है थोड़ा सेटअप का दोस्तों काम चल रहा था, इसके कारण वीडियोज थोड़ा लेट हो रहे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज वज्रगुणन विधि आपको सिखानी थी मुझे, मेन मेरा यही था लाइव आने का, तो बस थैंक यू सो मच आप सभी के लाइव आने के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए हम लाइव आए आज, बट दोस्तों अभी रेगुलरली लाइव सेशन लगेंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो आप लोग कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। रामेंद्र परिहार जी प्रेजेंट सर, ओके आपने प्रेजेंट लगा दी है, लाइक का बटन खटाक से दबा दिया है, थैंक यू सो मच आप सभी का लाइव में आने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है लाइव सेशन को यहीं ख़त्म कर देते हैं और आप सभी का दोस्तों लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।